खबर गाजीपुर के जखनिया से है, जहां गरीबी से त्रस्त है लोजारी राम का परिवार। बीमारी से परेशान है लोजारी राम पुत्र हरदेव राम, जिसकी तबीयत काफ़ी दिनों से खराब चल रही है। इनके पिता का बहुत पहले निधन हो चुका है। इनके पास एक लड़का है जो 5 वर्ष का है, एक लड़की जो 10 वर्ष की व दूसरी लड़की 7 वर्ष की है। रहने के लिए मकान तक नहीं है, संवेदना हॉस्पिटल वाराणसी में एडमिट चल रहे हैं। इनके माता का भी देहांत बहुत पहले हो चुका है। यह राजगीर मिस्त्री का काम कर अपने परिवार को किसी तरह से पालते थे, लेकिन अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण सारा स्रोत बंद हो गया। इनके पास खेती के लिए जमीन तक नहीं है। गांव के लोग इनकी औरत नीतू पुत्री राम सूरत राम, जिनका मायका बरही में पड़ता है, गाँव के लोगों से अपनी स्थिति बताई। गांव के बाबू साहब विनीत सिंह अपना खून दिए। गांव के लोग घूम करके लोगों से चंदा मांगा। किसी तरह से इनका इलाज संवेदना हॉस्पिटल वाराणसी में एडमिट कर कराया जा रहा है। घर में अनाज न होने के कारण बच्चे भूखे मर रहे हैं। अगल बगल के लोग कुछ भी भिजवा देते हैं, कुछ लोग बच्चों को खिला देते हैं। इस तरह से इस गरीब आदमी का इलाज कराया जा रहा है। अब तक इनको ना कोई सरकार की किसी तरह की मदद मिल पा रही है। यहाँ तक आयुष्मान कार्ड इस गांव पखनपुर में 75% लोगों का नहीं बना। सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही, कार्ड भी बना रहता तो आज इस गरीब आदमी को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। कमलेश यादव की रिपोर्ट, जखनिया गाजीपुर।